गोरखपुर न्यूज़ के न्यूज़ रीडर रहे वकील अहमद खान को 4 दिन पहले दिल का दौरा पड़ने के बाद उनको लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। वहीं इलाज के दौरान शनिवार को प्रातः 9 बजे वकील अहमद खान ने अंतिम सांस ली। लॉकडाउन के कारण और परिवार की रजामंदी से शनिवार को लखनऊ में अंतिम संस्कार कर दिया गया। पेशे से दवा के प्रतिष्ठित कंपनी में मैनेजर रहे वकील अहमद खान का शौक मीडिया के क्षेत्र में भी रहा। उन्होंने गोरखपुर आकाशवाणी में कई वर्षों तक उद्घोषक के रूप में कार्य किया और साथ ही पत्रकारिता और न्यूज़ रीडिंग से भी जुड़े रहे। वकील अहमद खान की मृत्यु पर दवा कारोबारियों, डॉक्टर और मीडिया से जुड़े लोगों में शोक की लहर दौड़ पड़ी। गोरखपुर न्यूज़ कार्यालय में एक शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें दिवंगत वकील अहमद खान को श्रद्धा सुमन अर्पित कर 2 मिनट का मौन रखा गया और ईश्वर से दिवंगत आत्मा को सदगति प्रदान करने के साथ उनके परिजनों को संबल प्रदान करने की प्रार्थना की गई। इस शोक सभा में तबरेज़ सिद्दीकी, फरीद अहमद, पूजा वर्मा, शिव सहाय पाल, अजय श्रीवास्तव, सिकंदर यादव, अंकित साहनी, हर सिंह बघेल एवं हनुमान सिंह बघेल उपस्थित थे।